अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हाँ पहचान वाला नहीं दिख रहा, चेहरा नहीं दिख रहा है पहचान वाला। हेलो, आप में से कोई भी साउंड सेटअप भी लड़ाया जाए। ये सब गाड़ी वाले ही सर, ये मतलब गाड़ी वाले ही हैं लगभग लगभग, गाड़ी वाले जॉइंट वाले, उसके अलावा अदर कोई भी नहीं सर, वाले उसके अलावा अदर कोई भी नहीं सर। ठीक है सर। तो सर जैसे हमारी तीन मांगे हैं, पहली मांग ये है जैसे सरकार ने गाइडलाइन निकाली है डीजे के प्रति की 50 डेसिबल या 75 डेसिबल बजाया जाए, दो स्पीकर ही बजाएं, दो स्पीकर चार स्पीकर चार स्पीकर बजाएं। तो पहली और मेरी मांग हमारी ये है सर कि डीजे का कुछ डेसिबल बढ़ाया जाए, साउंड सेटअप भी बढ़ाया जाए। ठीक है सर, हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। परमिशन मिल रही है, उसको नहीं मिली, सबको मिल रही है परमिशन, परमिशन मिल रही है, परमिशन दे दो, परमिशन मिल रही है, सबको मिल रही है परमिशन। इंदौर में बाजार हमारे डीजे से लोगों को क्षति पहुंचती है, तो हमारा सरकार से यह निवेदन है कि जब दारू बिक सकती है, दारू से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जब उस पे लिखा हुआ है कि शराब पीना हानिकारक है, सिगरेट पीना हानिकारक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आज भी एमपी में चल रही है, तो हमारा डीजे क्यों नहीं चलेगा। हमारे डीजे को लोग पसंद करते हैं, इसीलिए हमारे डीजे को लोग बुलाते हैं। हमारा सरकार से यह अपील है कि जैसे शराब पीना हानिकारक है, ऐसा हमारा अगर डीजे हानिकारक है तो हम डीजे पे लिखवा सकते हैं कि डीजे बजाना हानिकारक है। अगर क्लाइंट को लगेगा तो डीजे करेगा, नहीं आपका नहीं करे। आपका नाम बताइए। मेरा निक्की नायक। आज यहाँ पर आप आंदोलन के लिए खड़े हैं, क्या किस प्रकार का आंदोलन है आपका? जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नया डीजे के खिलाफ आदेश जारी करे हैं वो हमारे बिल्कुल विरुद्ध है। उससे कोई एक परिवार पल रहा है ना, तो आते से उन्होंने नौकरी देना चाहिए थी, नौकरी ना देने की बजाय उन्होंने नौकरियां छीन ली, लोगों से रोजगार छीन लिया। हम एक घर पालते हैं नहीं, हम हजारों घर पालते हैं,
डीजे वाला एक घर नहीं पालता, डीजे वाला हजारों घर पालता है, और इसी के खिलाफ आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जब कमाई नहीं पाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? कोई डीजे वाला कर्जा लेके बैठा हुआ है, कोई कैसे, कोई लोन पे, कोई घर पे आज अपना घर चला रहा है। अगर उसका पास कमाने का साधन ही नहीं रहेगा तो वो कैसे कमाए और कैसे कर्ज उतारेगा? तो अभी क्या चाहते हैं आप? कि हम इसमें सुधार चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं कि तो सुधार किया जाए। अगर सरकार ने सुधार नहीं करा तो फिर आप क्या? हम भोपाल जाएंगे, भोपाल जाएंगे, आगे तक जाएंगे। जब हमारे पास हमारा रोजगार ही नहीं रहेगा तो हम आगे तक हमारी मांग लेके जाएंगे। और जो भी इन्होंने जो मांग की है, जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 डेसिबल मतलब डीजे, मतलब 50 डेसिबल डीजे इतना बजता, मतलब अपन आपस में बात कर रहे हैं तो इतना डीजे अगर हम बजाएंगे तो हमारे को पार्टी कोई बुलाएगी नहीं। उसके बाद हम रोज हमारा जो इतना लाखों का सेटअप है आज हमने कर रखा है, वो क्या हम घर रखेंगे? हमारे से सरकार से यही अपील है कि हमारा जो कर्जा है, हमारे जो डीजे का रेट है, या तो खर्चा आया है हमारे डीजे का, तो आप हमारे हमको या तो 20 लाख रुपए का हमको एक व्यक्ति पर व्यक्ति चेक बनाकर दे दीजिए, वरना हमको भी यहाँ पे या तो हमारे को परमिशन दे दीजिए। और ये हमारा कर्जा माफ, आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जुझार सिंह चौहान। कहाँ रहते हैं जी भाई साहब? कहाँ रहते हैं? देवास कालू खेड़ी। मेरा निकल